अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब सुर्खियों में बना हुआ है। रिजल्ट में हुए घोटाले को लेकर स्टूडेंट्स काफी नाराज है। देश भर में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। जगह जगह पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इसी बीच अब मुनव्वर फारूकी, अभिषेक मल्हान और अलवेश यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में ये तीनों एक क्रिकेट लीग के सिलसिले में 7 स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान इन तीनों ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। वहीं नीट रिजल्ट में हुए घोटाले को लेकर मुनव्वर ने कहा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा और चेक किया कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तब मुझे पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स के एक जैसे ही नंबर आए हैं जो कि एक ही सेंटर से हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो लफड़ा है। वहीं मुनव्वर ने आगे ये भी कहा कि ये स्टूडेंट्स की मांग है तो इस पर सही तरीके से जाँच भी होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप के कितने पैसे खर्च होते हैं। वहीं ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स की भी मेहनत बहुत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस चीज़ पर जल्द से जल्द एक्शन ले। जितना मुझे पता चला है कि इस मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं अलवेश यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि वो इतने सारे वीडियोस बनाते हैं तो वो इस बारे में आखिर सरकार से क्या कहना चाहेंगे, लेकिन अलवेश इस मामले पर अपनी राय देने से बचते दिखे। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपने कहा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप सभी लोग जरूर देखना। वहीं अभिषेक ने भी नीट UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को काफी फॉलो कर रहा था, मैंने इससे संबंधित कई सारे पोस्ट भी देखे हैं। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। कई लोग चौथी पांचवी बार पेपर दे रहे थे। जब उनको पता चलता है कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन पहले ही पेपर आ रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है उसे आंसर्स बताए जा रहे हैं क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत खराब और गलत चीज़ है। जरा आप सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये वही डॉक्टर है जो पेपर लीक की मदद से पास हुआ है, तो ये देश के लिए कितना खराब होगा। मुझे लगता है कि इस पर जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए उतना बेहतर होगा। वहीं आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी, आपको न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।